ट्रैक्टर अभी चालू हो यार, इतना महंगाई के जमाने में भी डीजल खत्म नहीं हो। मैं बनाने वाला हूँ भिंडी का रेसिपी यार। तो हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपके बीच जसलू वाला प्रेजेंट है। वो आज तारीख है 3 जून और यहाँ चल रही है धान की बुनाई। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर है और साइड में ये इधर हल की जुताई हो रही है। ऐसे ही नॉर्मल तो होता है बुनने के लिए ही, लेकिन आज नहीं बुनेगा। और इधर ट्रैक्टर से आज धान की बुआई होगी, इधर लगा चुके हैं तो जुताई करना होता है और उधर बुन ही रहे हैं आप देख सकते हैं। और ट्रैक्टर अभी चालू हो यार, इतना महंगाई के ज़माने में भी डीजल ख़त्म नहीं होगी, फिर भी हम चालू करके रखे हैं। शायद एक बार बंद होने के बाद स्टार्ट नहीं होती, इसलिए अभी चालू कर ही रखें ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ फिर ये बुने का बुना रह जाएगा। तब देखते हैं धान की बुनाई इधर चल ही रहा। ट्रैक्टर काफी पुराना है आप देख सकते होंगे, इसमें का लोगो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। एक पुराना स्टाइल से इधर खेती हो रहा है और इधर नए स्टाइल से खेती होगा। यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है, एक अलग अलग खेत है। वो दूर दूर तक पूरा जोताई चलता है, बैल के साथ जोताई कर रहे हैं। और इधर है अपना बस्ती, तो मैं सुबह के बाद डायरेक्टली मैं आप इवनिंग को मिल रहा हूँ यार। तो इधर एक भाई का नया स्कूटी ख़रीदा है। मैं बता दूँ ये झारखंड से बाइक नहीं है यार, स्कूटी है। मिस्टेक हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी लुक में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसका नाम क्या है? इंटॉर्क। काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। आप देख सकते हैं न्यू लुक, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा स्कूटी। इन लोग को पहले से ही पता था, इन लोग सोच के खरीदे हैं। काफ़ी अच्छा है लुकिंग में तो। और ये लोगो पहले से था यार कि बाद में करवाए हो? एवेंजर वाला? हाँ पहले, ये पहले से ही है ये लोगो एवेंजर वाला। आप देख सकते हैं लुकिंग काफी अच्छा लग रहा है यार। जो मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ ये जसपुर रोड है, इचकेला बोल सकते हैं या आधा रोड बोल सकते हैं। इसका फंक्शन कुछ अच्छा दिया यार, बहुत ज़्यादा अपडेटिंग लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नैट्रो ब्लैक पैंथर एडिक्शन है, एडिशन यार गलती हो ही जाता है। आप देख सकते हैं ये पहले से ही लोगो है। तो ड्राइंग करके देखता हूँ कितना मजा आता है, आप देख सकते हैं।
सबसे अलग स्कूटी है यार, काफी मजा है। सबसे अलग है जितना भी अभी का जितना भी है ना आप चलाए हमको, सबसे अलग लगा मेरे को चलाने में। आप लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस 1K से 100K से ज़्यादा ही है यार। इसी का बाइक है, बाइक नहीं यार, बाइक दिमाग में आता है। तो गुड मॉर्निंग, आज तारीख है 4 और मैं कल का वीडियो भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। तो आज मैं बना रहा हूँ यार भिंडी, भिंडी का सब्जी। मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ, इधर आप देख सकते हैं कटिंग चल रहा है, उसके बाद मैं बनाऊँगा। मैं टेबल में बैठ के काट रहा हूँ यार, आप देख सकते हैं इतना काट चुका हूँ और इतना बचा है। यहाँ पे फिनिश हो चुका है, अब मैं सब्जी बनाने के लिए तैयार हूँ। ये लो भाई, भिंडी का सब्जी बना रहा हूँ। तो मैं बनाने वाला हूँ भिंडी का रेसिपी यार, जैसे तैसे बनाएगा, अब देखने वाली बात है कि टेस्टिंग किस टाइप का लगता है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो बस ऐसा ही भून के रखा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ यार भिंडी रेसिपी, या रस बोल सकते हो, झोर था जो भी आप, रेसिपी बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए बोल देते हैं, इंग्लिश वर्ड है। भिंडी का रेसिपी तो नहीं बन पाया लेकिन भुंजल वाला ज़रूर बन गया भैया, आप देख सकते हैं, क्योंकि यार रेसिपी बनाने के लिए थोड़ा भिंडी ज़्यादा हो गया और जो रस्सा बनाया था वो कम पड़ गई इस वजह से, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छा है, मैं टेस्ट करके देखा जाता। बनाते बनाते यार पसीना पसीना हो गया यार, लगभग 2 घंटा से बना रहा हूँ मैं, 8 बजे से, अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे। नहाता हूँ उसके बाद खाना खाएंगे यार, क्योंकि मैं हम लोग के घर में नाश्ता वास्ता नहीं बनती है, डायरेक्टली हम लोग खाना ही खाते हैं, बताना चाहता हूँ आप लोग को। लो यार मैं नहा के आ चुका हूँ और खाना खाने के लिए भी बैठा हूँ, स्टार्ट तो नहीं किया हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या बनाया हूँ, आपको पहले पता चल गया होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन दाल भी बनाया हूँ मैं, क्योंकि दाल यार बहुत दिन का हम लोग बात खाते हैं, कभी कभी खाता हूँ दाल तो बनता है हमेशा, उड़द का दाल, लेकिन मैं उड़द का दाल नहीं खाता हूँ, मसूर का दाल ज़्यादा खाता हूँ, ज़्यादा नहीं वही ज़्यादा ही खाता हूँ। तो ये देखो सुबह का नाश्ता, भात कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आज मैं ही बनाया हूँ। ये देखो ये दाल है, तो चलो यार खाते हैं। तो मैं खाना खाने से पहले ही मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यार, आप लोग को देखने में मज़ा नहीं आएगा और आप लोग स्किप कर कर के ना देखें, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।